नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां आतंकवाद का खेल खुलेआम देखने को मिलता है। पाकिस्तान सिर्फ आतंकवाद के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि ये महिलाओं के ऊपर अत्याचार और उनकी हत्याओं के लिए भी दुनिया भर में अपना नाम बना चुका है। चलिए इसी मुल्क की एक रिपोर्ट से हम आपको अवगत कराते हैं। दरअसल पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग के आंकड़ों के मुताबिक अगले 2021 में अकेले देखा गया कि तलाक मांगने और उत्पीड़न की शिकार महिलाओं की हत्या की 450 से अधिक मामले दर्ज किए गए। पाकिस्तान में 2004 और 2016 के बीच 15,222 हत्याएं हुई, यानी हर साल 1170 और हर हफ्ते 22 हत्याएं हो रही हैं। ये दुनिया में सबसे ज्यादा है। इसी रिपोर्ट की हकीकत की गवाही देता एक मामला पाकिस्तान से सामने आया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में बीते दिनों पाकिस्तान मूल की दो स्पेनिश बहनें उरुज अब्बास, यानी कि वो 21 साल की थी, और अनीसा अब्बास 23 साल की, उनकी हत्या सुर्खियों में बनी हुई है। पंजाब प्रांत के गुजरात जिले के इन रहने वाले ससुराल वालों ने इनकी हत्या कर दी। मृतकों का कसूर सिर्फ इतना था कि इन्होंने जबरदस्ती की गई शादी से छुटकारा पाने के लिए पतियों से तलाक मांगा था। 2020 में परिवार ने पाकिस्तान यात्रा के दौरान दोनों का जबरन निकाह उनके कजिन से करा दिया था। निकाह के बाद दोनों पति को छोड़ स्पेन चली गई। दो साल में पति पीड़िताओं को दस्तावेजों पर साइन करने के लिए मजबूर कर रहे थे ताकि उनके स्पेन में रहने का रास्ता साफ हो सके। पीड़िताओं पर उनके परिवार ने 19 मई 2022 को तलाक के दस्तावेज पर दस्तखत करने के लिए पाकिस्तान लौटने का दबाव बनाया, उन्हें प्रताड़ित किया और आखिर में पतियों ने हत्या कर दी। सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गुजरात पुलिस प्रवक्ता ने कहा, ये ऑनर किलिंग की एक और घटना थी। बता दें कि 2016 में ऑनर किलिंग की घटनाओं को रोकने के लिए पाकिस्तान में सख्त कानून पेश किया गया था। ये कानून चर्चित पाकिस्तानी मॉडल कंदील बलोचा के हत्या के बाद बना था। इस कानून के मुताबिक ऑनर किलिंग के दोषी को मौत की सजा का प्रावधान है, लेकिन तमाम संशोधन के बाद ये कानून कमजोर हो गया। यहाँ आपको ये जानना भी जरूरी है कि दिसंबर 2021 से 2019 में पंजाब प्रांत में ऑनर किलिंग की 157 मामले भी सामने आए हैं, जबकि 2020 में 237 से अधिक मामले दर्ज हुए हैं। हत्याओं में पंचायतों की भूमिका है। एक एनजीओ के चेयरपर्सन ताहिरा गुल कहती है कि कुछ मामलों में स्थानीय जिरगा सिस्टम महिलाओं के खिलाफ अपराध को बढ़ावा देता है। जून 2022 में पाकिस्तान के दक्षिणी पंजाब जिले के मुजफ्फरगढ़ के स्थानीय जिरगा में मुख्तारन माई के गैंग रेप का फरमान सुनाया था। सरकार समर्थित जिरगा के फरमान महिलाओं की हत्या को बढ़ावा देते हैं। पाकिस्तान की ये रिपोर्ट देखकर आपको क्या लगता है, अपनी राय हमें कमेंट सेशन में जरूर बताएं। जिस तरीके से पाकिस्तान में ऑर्डर किलिंग का ये जो मामला सामने आ रहा है, पाकिस्तान की ये रिपोर्ट देखकर आपको क्या लगता है, अपनी राय हमें कमेंट सेशन में जरूर बताएं। और पाकिस्तान की ये रिपोर्ट देखकर आपको क्या लगता है कि पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय है, अपनी राय हमें कमेंट सेशन में देना बिल्कुल ना भूले। और ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन।